जिन लोगों ने भारत के संविधान को जलाया था उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई है और उन्हें भारत के बाहर फेंक दिया गया है। तो इस मांडलेश्वर को भी भारत के बाहर निकाला जाए, इसको भारत की भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। एक संविधान इस देश में लागू होने के बावजूद ये नए संविधान की मांग करता है, ये मौजूदा संविधान का अपमान है, डिफेमेशन है। खबर हमने आज के अमर उजाला में पढ़ी है और ये खबर सभी अंबेडकर वादियों के साथ साथ भारत में जितने भी लोग संविधान को मानते हैं ये उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है। अमर उजाला में आज के ये खबर छपी है कि नए संविधान के साथ नए संसद में हो प्रवेश, और ये यतीन्द्र नाथ गिरी इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इनका कहना है, मैं ये न्यूज आपको पूरी पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि बहुत लोगों के पास ये पेपर न्यूज़पेपर नहीं आता होगा। लखनऊ में ये पेपर इनकी जो सभा हुई है उसमें उन्होंने ये बात कही है। जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी ने कहा कि देश की नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। जनसंख्या पर रोक का कानून बनाने के अलावा धर्मांतरण को अपराध घोषित कर मदरसों व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिन्होंने अभी आईएमए ने बाबा रामदेव को कोर्ट में खींचा है, वो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को समाप्त किया जाए। राजधानी के विकास नगर स्थित जीवन दीप आश्रम पहुंचे महामंडलेश्वर ने कहा कि नई संसद के साथ नया संविधान बनाया जाए, ये सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित हो जिसमें एक देश एक नागरिकता की बात हो, धर्म जाति और मौलिक अधिकारों को लेकर भेद न हो, क्योंकि मौजूदा संविधान इन आधारों पर भेद करता है। यानी अभी जो संविधान है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और मौलिक अधिकारों के आधार पर भेदभाव करता है, ऐसा मांडलेश्वर का कहना है। समानता की बात तो की जाती है मगर ऐसा है नहीं, नए संविधान में आरक्षण पर पुनर्विचार हो। उन्होंने कहा कि मदरसे पूरी तरह समाप्त हो, आतंक और धर्मांतरण के लिए वहां भी मदरसों और मौलानाओं को फंडिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या पर रोक के लिए कानून बनाने का आश्वासन साधु संतों को दिया था मगर अब तक इसे बनाया नहीं गया। जो भी दो बच्चों से अधिक पैदा करे उनके लिए कठोर सजा बिल अविलंब लाया जाए। आसाम सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी ऐसा बिल जल्दी ही लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईसाई संगठन है, आयुर्वेद इसे समाप्त करना चाहिए। आयुर्वेद पूरी तरह बीमारी को ठीक करता है जबकि एलोपैथी मर्ज को दबाती है, ठीक नहीं करती। कोरोना में बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों ने आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया है कोरोना वैक्सीन के संकट को लेकर, कहा कि ये और इन्होंने एक बात कही कि हिंदुओं को अब बड़ा दिल करना होगा। महामंडलेश्वर ने कहा कि देश के 98% मुस्लिम हिंदू ही है, वह पूर्व में किन्हीं कारणों से मुस्लिम हुए, अब वह घर लौटना चाहते हैं तो हिंदुओं को दिल बड़ा करना चाहिए, उसके लिए रोटी और बेटी का संबंध बनाना होगा। यदि उनकी बेटी यानी मुसलमानों की बेटी आपके घरों में आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि वो हिंदू भी ही है। तो ये एक खबर आज के न्यूज़पेपर में छपी है। इन्होंने किसी कार्यक्रम में ये जहर उगला है, लेकिन मैं आप लोगों से, जितने भी अंबेडकराइट्स पूरे देश विदेशों में बैठे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि द प्रिवेंशन ऑफ इंडिया, मैं ठीक से आप लोगों को ये एक्ट बताना चाहता हूं। इस एक्ट के तहत महामंडलेश्वर पर देशद्रोह का खटला हम लोगों को दायर करना है, देशद्रोह का मामला दर्ज करवाना है। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, एक्ट नंबर 69 ऑफ 1971 सेक्शन 2 के तहत मांडलेश्वर पर देशद्रोह का खटला, देशद्रोह का मामला हमें दर्ज करना है। मैं सभी अंबेडकर वादियों से, सभी धर्म के लोगों से जो संविधान के बदौलत अपने धर्म का प्रचार और प्रसार इस देश में कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्मों के नेताओं से, लोगों से,
बाबा साहब को मानने वाले लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपनी अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने तहसीलों में, जहां कहीं पर भी हो, जहां किसी भी स्टेट में हो, अपने अपने निवेदन कलेक्टर को दीजिए और इस द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत मांडलेश्वर को देशद्रोह के मामले में खींचा जाए, उसके लिए अलग अलग पुलिस चौकियों में, कलेक्टरेट्स में ये निवेदन हमको देना है। तो यही अपील मैं करना चाहता हूं। और एक अपील मैं भारत के बाहर बैठे हुए जितने भी अम्बेडकराइट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, समता के ऊपर काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने एम्बेसीज को इस खबर का आधार बनाते हुए कि भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए इन्हें देशद्रोह का, अगर इस देश में कोई खलिस्तान की मांग करता है तो खलिस्तान की मांग करने वाले लोग जिस तरह से देशद्रोही है, अगर इस्लामिक स्टेट की मांग करने वाले लोग जिस तरह से देशद्रोही है, उसी तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भी उतने ही देशद्रोही है जितना खलिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं। इसलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र की इस देश में मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मामला, मुकदमा चलाया जाए। इसके लिए निवेदन आपको अपने कलेक्टर ऑफिस में, आपके एसपी डीएसपी ऑफिस में आप लोगों को देना है। और ये निवेदन मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड के अम्बेडकराइट, जितने भी अम्बेडकराइट सोसाइटीज हैं, गुरु रविदास सभा के लोग हैं, अपने अपने देशों में ये अपने अपने एम्बेसीज को ये मांग करनी है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं और इनके ऊपर शासन हो और इन लोगों की नागरिकता रद्द करने का काम हो। आप लोगों को पता होगा कि कुछ सालों पहले, 2 या 3 साल पहले भारत के संविधान को संसद के सामने जलाया गया था। ये मामला इसी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर चलाया गया। जिन लोगों ने भारत के संविधान को जलाया था उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई है और उन्हें भारत के बाहर फेंक दिया गया है। तो इस मांडलेश्वर को भी भारत के बाहर निकाला जाए, इसको भारत की भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। एक संविधान इस देश में लागू होने के बावजूद ये नए संविधान की मांग करता है, ये मौजूदा संविधान का अपमान है, डिफेमेशन है। और इसी एक्ट के तहत हमें इस मांडलेश्वर को इस भारत के धरती से, अगर तुमको भारत का संविधान पसंद नहीं है तो जाओ अपना नया देश बनाओ और वहां पर जाके अपना संविधान लागू करो। और इसलिए हमें इस मांग को पकड़ के रखना है कि अगर भारत का संविधान पसंद नहीं है तो इस भारत के बाहर जाकर जिस देश का संविधान तुमको पसंद है उस देश में जाकर रहो। इस देश में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। भारत की मिट्टी पे रहोगे, यहाँ पर आश्रम बनाओगे, यहाँ की सुविधाएं आप लोग लोगे, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, यहाँ का पानी चाहिए और यहाँ का संविधान नहीं चाहिए। जो संविधान इस देश में ये सारी सुविधा आपको देता है, ये संविधान आपको नहीं चाहिए। और इसलिए ये सभी अम्बेडकराइट लोगों की, गुरु रविदास सभा के लोगों की, संत कबीर मठ के आश्रम के लोगों की, सिखों को, मुसलमानों को ये अपील करनी है कि इस मांडलेश्वर की नागरिकता रद्द की जाए और इसे भारत के बाहर फेंका जाए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आज लाइव आया हूं। और ये बात मैं आज तो दौरे में हूं, जैसे ही मैं मुंबई मेरे घर पहुंचता हूं सबसे पहले ये पिटीशन फाइल करने का काम मैं करूंगा और इस मांडलेश्वर की नागरिकता रद्द करवाने का काम भी हम करेंगे। और मेरे साथ साथ आपसे भी मैं अपील करता हूं कि जहां कहीं पर भी हो अपने कलेक्ट्रेट को पोस्ट के द्वारा, बैलेट पोस्ट कार्ड्स के द्वारा ये कंप्लेंट आप लोग कीजिए और इस प्रकरण को, जो आज ये लोग नए संविधान को लागू करवाने की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर शासन करवाने का काम करें। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।